हाय फ्रेंड्स, आपका वेनुज रेसिपी में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक की पूरी। पालक ठंड के मौसम में ज़्यादा मिलती है, इसलिए आज हम ठंड के मौसम में पालक पूरी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जोड़ी पालक ली है, उसको तोड़कर साफ कर लिया है और पानी से धोकर छन्ने में निकाल ली है। एक गंजी में इसे भर लेंगे और इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे, 5 मिनट उबाल ला लेंगे। उबालने से इसका जो कड़वापन रहता है वो निकल जाता है। गैस ऑन करके हम गैस पर इसे थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसको हम ऊपर से थोड़ी देर ढक लेंगे। तब तक हम पूरी में डालने के लिए चटनी बना लेते हैं। एक छोटा वाला मिक्सी पॉट लेंगे, उसमें 5-6 हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 5-6 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। हरी धनिया डंठल के साथ डालेंगे और 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, पालक उबाल कर हो चुकी है, गैस हम ऑफ कर देंगे। एक बड़ा चम्मच इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। इसे हमें बारीक पीस लेना है। आप देख सकते हैं यह अच्छे से पीस कर हो चुकी है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसे मिक्सर पॉट में हमें जो पालक को उबाला है उसे हमें इसमें पीस लेना है, इसलिए हमें इसे धोना नहीं है। पालक अभी थोड़ी सी गुनगुनी गर्म है, इसे हम मिक्सर में लगा लेंगे। हम उसी मिक्सर पॉट को लेंगे जिसमें हमने मिर्ची पीसी थी, उसी में हम ये पालक डाल देंगे। इसी पॉट में हमें पीस लेना है। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और इसे मिक्सर में लगा लेंगे। हमें इसे एकदम बारीक पीस लेना है। पालक को मैंने मिक्सर में एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। अब पालक पेस्ट को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी पालक पेस्ट में हम जो चटनी पीसी थी हरी मिर्च की, वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब इसी पेस्ट में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसमें हम 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। लेकिन हम एक साथ में ही 2 कप नहीं डालेंगे, पहले 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे छानकर, फिर अगर लगेगा तो फिर दूसरी बार डालेंगे। अब इसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे रोटी के आटे की तरह गूंथ लेंगे। अब यह थोड़ा सा और गीला है, इसलिए हमें इसमें और आटा डालना पड़ेगा, इसलिए हम 1 कप गेहूं का आटा और डालेंगे। इसे हमें रोटी के आटे के जितना ही गाढ़ा गूंद लेना है। आप देख सकते हैं यह अब अच्छे से गूंद कर हो चुका है। इसे हम 10 मिनट ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा तेल लगाकर फिर से एक बार गूंद लेंगे। अब यह आटा अच्छे से गूंद कर हो चुका है, इसमें से हम एक टुकड़ा निकाल लेंगे बड़ा सा। हाथों से दबाते हुए इसकी हम एक लोई बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से लोई बना लेनी है बड़ी सी। इस लोई को हम सूखे आटे में थोड़ा सा इस तरह से लपेट लेंगे ताकि बेलने में हमें आसानी हो जाए। अब उस लोई को हम चकले पर रखकर इस तरह से हमें बेल लेना है। बेलते हुए हमें इसे बड़ा करके एक बड़ी सी चपाती बना लेनी है। इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। इसे हमें बेलते हुए रोटी से थोड़ी जाड़ी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है। आप देख सकते हैं अब यह अच्छे से बेलकर हो चुकी है और इतनी हमें मोटी रखनी है। अब मैंने यहाँ पर एक ढक्कन लिया है इस तरह का, आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं। इस तरह से हमें दबाते हुए इसे काट लेना है।
आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सभी पूरियां बना ली है। गैस पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। गैस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है। अब इसमें हम एक पूरी डालेंगे, जब तक ये ऊपर ना आए हमें दूसरी पूरी नहीं डालनी है, और इसे चम्मच की सहायता से दबाते रहना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब इसे हम दूसरी साइड में पलट देंगे। यह अब दोनों साइड से हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है पूरी। इसी तरह से हम सभी पूरियों को तलकर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सभी पूरियां बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस पूरी को टोमेटो सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।